नीता सबसे पहले ये बताओ कि आपकी फिक्शन में कितनी रियलिटी है। मैं 4 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मैंने काफ़ी कुछ देखा है अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को गुजरते हुए। तो दिस बुक इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, तो इसमें 70% सच्चाई है। और जो टॉपिक आपने चूज़ किया है वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, स्पेशली बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में ये बहुत ही अनफॉरगिविंग है व्हेन यू वीव एनीथिंग अराउंड अ कास्टिंग काउच। आपने क्यों चूज़ किया ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव एज एन ऑथर यू हैव टू बी रियल, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी लिखी गई है, तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टेक ऑन बॉलीवुड। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलीवुड, आपने साउथ इंडस्ट्री को भी मेंशन किया है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट इन पर्टिकुलर हुआ हो? जहाँ तक हमने सुना था कि एक इंसिडेंट टोन डाउन किया गया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हुआ था, वो बॉलीवुड में काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी लेकिन शी वॉज़ वेरी अनसक्सेसफुल, और फिर उसने सोचा कि अगर वो साउथ में जाके ट्राई करती है तो वो रास्ता शायद आसान हो। एंड इन रियल लाइफ वो एक काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर से मिली थी और जो उसका एक्सपीरियंस था शी वॉज़ ऑलमोस्ट रेप्ड, और उसने आके यहाँ पे मेरे साथ शेयर किया था। अब तो उसने इंडस्ट्री छोड़ दी है, लेकिन जब मैंने ये चैप्टर लिखी थी मैंने इसमें काफ़ी सच्चाइयाँ डाली थी, बट माय पब्लिशर हैड टू टोन इट डाउन बिकॉज ही वाज लाइक ये बहुत ब्रूटल है और यू नो हम इतना ब्रूटल इसको नहीं दिखा सकते, तो उसको एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी टोन डाउन कर दिया गया था। एज वी मेंशन कास्टिंग काउच एक बहुत ही अनफॉरगिविंग सब्जेक्ट है, तो रिएक्शन क्या रहा बॉलीवुड के मेंबर्स से टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट? The kind of reaction which I have got from them is very supportive. In fact, they have liked the book and it's great. Thanks, Neeta, for that interesting conversation and bringing the insights of Bollywood into print for us. Thank you, Supreet. It was a pleasure being here.